Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new Oxford Modern English Book 8, chapter number 2, The Silver Lining. We have completed the reading part and words meaning in detail. And now we are heading towards question and answers. So, aajaye page number 26 par. Here we have exercise A, question number 1. And a total of 5 simple questions and then 2 difficult questions, right? So start with part A. We will discuss all these questions in detail. So hold a pencil in your hands and watch the video till the end. Achhi lage video to like kijiyega, comment kijiyega aur apne friends ke saath zarur share kijiyega taki aur bacche isse fayda utha saken. Part A mein humse keh rahe hain, why does the author believe? Why does the author believe? यहाँ पर आपको reason देना है that it is difficult to assess the range and quality of human emotions. तो आपने अगर देखा हो तो paragraph 1 के अंदर ही हमें जब author ने ये start किया है passage तो उसने कहा कि human जो emotions होते हैं उनकी feelings होती हैं उनको assess करना उसको analyze करना उसको समझना जांचना ये एक बहुत difficult जो है वो काम है लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा तो ये आपको यहाँ पर रीजन प्रोवाइड करना है तो जाहिर है जब रीजन की बात आएगी तो वो आप अपने वर्ड्स में ही लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द ऑथर बिलीव्स इट इज डिफिकल्ट टू असेस द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस बिकॉज इट इज यूजुअली नॉट पॉसिबल टू टेल व्हाट ग्रीव्स पीपल हैव बाय मेयरली लुकिंग एट देयर अपीयरेंस सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के जो इमोशंस हैं उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती वो टेंजिबल नहीं होते वो नजर नहीं आते और किसी के दिल में आप झांक नहीं सकते तो इसीलिए किसी ने अगर सामने जो है वो मुस्कुराहट का चेहरा मुस्कुराहट का लिबास पहना हुआ है तो आप ये नहीं समझ सकते कि उसके दिल में कोई दुख छुपा हुआ है या नहीं है इसीलिए किसी के इमोशंस को समझना जांचना इज नॉट एन ईजी टास्क Part B. In what ways was the Ahad guest house a suitable place to stay? ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो है वो Mr. Ahad का जो guest house है उसकी तारीफ थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी कि वो एक suitable place क्यों थी और फिर Part C के अंदर आपसे कह रहे हैं What makes the author say he felt as if he had known the family for years? तो ये दोनों जो questions हैं काफी मिलते जुलते हैं कि जो ऑथर है उसने जब उनके जो है वो गेस्ट हाउस को बताया कि सूटेबल प्लेस है तो उसको ऐसा क्यों लगा कि वो फैमिली को बहुत सालों से बहुत अरसे से जानता है तो पहले तो पार्ट बी में हम ये बता दें कि द अहद्स गेस्ट हाउस वाज अ सूटेबल प्लेस टू स्टे बिकॉज इट वाज नियर टू बस स्टैंड मार्केट एंड पोस्ट ऑफिस ये हमें बताया था उन्होंने कि बिल्कुल सेंटर में है येट फार इनफ अवे टू बी पीसफुल लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर है कि जहां पर शोर हंगामा नहीं होता द व्यूज वर प्लेजेंट द कुकिंग वॉज गुड एंड द हॉस्टेस वॉज चार्मिंग यानी उसका जो आप कहें एक इंसान को कहीं दूर जाके अगर कहीं रहना पड़े तो ये एक बिल्कुल बेहतरीन प्लेस है जिस जिस चीज को इंसान वहां तलाश करता है वो सारी यहां पर मौजूद हैं उसके बाद पार्ट सी के अंदर के फैमिली को ऐसा क्यों लगा कि जो है वो जो ये गेस्ट था कि इस फैमिली को अरसे से जानता है तो द अहद्स वर वेरी काइंड टू देयर गेस्ट एंड लुक्ड आफ्टर देम वेल मिसेस अहद टुक द नरेटर इन हैंड द मोमेंट ही अराइव्ड शी सॉ टू हिज लगेज gave instructions about his room and gave him a cup of coffee yani bahut hi warmly unhone welcome kiya she put him at his ease mr ahad too treats him his guests with courtesy maheen was shy and reserved due to her deafness but endeared herself to all the visitors the narrator was won over by the entire family yani puri family ne milkar जो ऑथर है उसका दिल जीत लिया था चारों तरफ से इसलिए उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो इस फैमिली को बहुत अरसे से जानता हो और यही बात है बच्चों कि जब हमसे कोई बड़े खुश अखलाकी के साथ मिलता है कोई बहुत अच्छे तरीके से मिलता है गर्मजोशी से मिलता है तो ऐसा महसूस ही नहीं होता इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी रखी है कि आप थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे आप बहुत पुराने दोस्त हों तो यही उनके साथ भी हुआ था Next we have party. In what manner did the author try to make friends with Maheen? ठीक है Maheen से उन्होंने किस तरह दोस्ती करने की कोशिश की और what was the reaction from Maheen and her parents? तो हमें पहले तो ये बताना है कि किस तरह से author ने जो है वो initiate किया
और जय दोस्ती का हाथ बढ़ाया माहीन की तरफ, और उसके बाद फिर दो और पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि माहीन का रिएक्शन क्या था और फिर उसके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था। तो पहली बात, दी ऑथर आस्क्ड माहीन व्हाट हर नेम वाज, स्माइल्ड एट हर एंड बेकॉन्ड टू हर। यही सारी चीजें की थी ना, नाम पूछा था, उसकी तरफ मुस्कुरा के उसको इशारे से अपनी तरफ आने के लिए कहा था। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि उनका क्या जेस्चर था। उसके बाद माहीन का रिएक्शन, माहीन रिएक्टेड बाय ब्लशिंग एंड रनिंग आउट ऑफ द रूम विद टीयर्स इन हर आईज। ठीक है, वो बच्ची जो है बुरी तरह से शर्मा गई, घबरा गई और रोते हुए चली गई। और हर पेरेंट्स फ्राउंड विद पेंट लुक्स ऑन देयर फेसेस। मिसेस आहर देन अपोलोजेटिकली एक्सप्लेन टू द ऑथर व्हाई द गर्ल हैड बिहेव्ड लाइक दिस। ठीक है, और उसके पेरेंट्स का जो रिएक्शन था उसके बाद उन्होंने किस तरह से उसको हैंडल किया सिचुएशन को, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिटेल से बता दी। नेक्स्ट वी हैव पार्ट ई व्हिच सेज, व्हिच फ्रेज और स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द आहत डिड नॉट मच केयर फॉर द क्वेश्चंस पुट बाय विजिटर्स अबाउट देयर डॉटर। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट में हमारे पास ये वाली फीलिंग आ रही है कि मिस्टर आहत को अब ज्यादा जो है वो परवाह नहीं होती थी विजिटर्स के क्वेश्चन से। यहां पर आपको वो स्टेटमेंट बतानी है। तो यहां पर इस तरह की दो स्टेटमेंट्स हैं जो इस चीज को हाईलाइट कर रही है स्टूडेंट्स। पहली, विद पेंड लुक्स ऑन देयर फेसेस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है। और उसके बाद द क्वेरीज वर आंसर्ड बाय द पेरेंट्स हॉल्टिंगली एंड विद ऑब्वियस एंग्विश। ये दो स्टेटमेंट्स हमें ये बता रही हैं कि पेरेंट्स को अब ज्यादा जो है वो इन चीजों, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी थी, हर विजिटर उनके यहाँ जो है, जाहिर सी बात है विजिटर्स का आना जाना चलता रहता था, हर दूसरे दिन कोई नया विजिटर आ रहा है और वो बच्ची को अपनी तरफ बुलाते थे, बच्ची फिर भाग जाती थी, तो वो इस तरह के सवालात रोजाना देने के आदि हो चुके थे। नेक्स्ट वी हैव अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन पार्ट एफ व्हिच इज, मिस्टर अहद सेड अपोलोजेटिकली आई एम सॉरी मिस्टर नदीम, Why was he sorry? Give more than one reason. अब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी है, मिस्टर अहद ने जो है वो कहा कि आई एम सॉरी मिस्टर नदीम, मिस्टर नदीम से कहा कि आई एम सॉरी, तो वो क्यों उन्होंने कहा ही वॉज सॉरी, हमें यहाँ पर दो रीजन देने हैं। सो मिस्टर अहद वॉज सॉरी बिकॉज माहीन हैड नॉट गॉन टू मिस्टर नदीम। ठीक है, मिस्टर नदीम ने जब अपनी तरफ बुलाया था तो वो माहीन उनकी तरफ नहीं गई, इस बात पर पहला रीजन तो यही था कि जिसकी वजह से मिस्टर अहद ने जो है वो मिस्टर नदीम को सॉरी कहा अपनी बेटी की तरफ से। और दूसरा, एंड अबाउट द ऑकवर्डनेस क्रिएटेड बाय द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और वो जो एक सन्नाटा सा छा गया था ना कमरे में, एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, उसको हैंडल करने के लिए भी उन्होंने सॉरी कहा कि यानी कि एक अजीब सी यानी कि दोनों के दरमियान में खामोशी वाली सिचुएशन आ गई थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सॉरी कह के इस सिचुएशन को नॉर्मल किया। लास्ट ऑफ ऑल पार्ट जी, व्हाई डू यू थिंक द अहद्स अग्रीड आफ्टर सम ट्रेपिडेशन। ठीक है, यहाँ पर जो फोकस किया है उन्होंने वो इस फ्रेज पे किया, आफ्टर सम ट्रेपिडेशन। आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको अगेन अपना ओपिनियन देना है कि अहद ने यानी मिस्टर और मिसेस अहद ने अग्री किया थोड़ी सी कश्मकश के बाद टू ट्राई आउट द ऑथर सजेशन ऑफ अ वे टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ विजिटर्स। यानी कि जब ऑथर ने एक सजेशन दी विजिटर्स के क्वेश्चंस को डील करने के लिए कि उनका किस तरह से सामना करना है, किस तरह से उनको जो है वो विजिटर्स जो बार बार सवालात करते हैं तो उसकी रोकथाम करनी है, तो जब ये बात सजेशन जो है ऑथर ने मिस्टर और मिसेस अहद के सामने रखी तो उन्होंने थोड़े जो है वो तरद्दुद के बाद यानी थोड़ी सोच विचार और कश्मकश के बाद क्यों जो है वो इसको अग्री किया। तो ये हमें बताना है कि ये जो तरद्दुद है इसके पीछे क्या रीज़न था, ये हमें बताना है यहाँ पर। और जब रीजन की बात आती है तो वहां पर हमें अपना ओपिनियन देना होता है। दी अहद्स अग्रीड आफ्टर सम ट्रेपिडेशन बिकॉज दे मस्ट हैव बीन वरिड अबाउट वेदर द प्लान वुड वर्क एंड कंसर्न्ड दैट इफ इट डिड नॉट वर्क इट माइट कॉज माहीन फर्दर एंग्विश। ठीक है, तो उनके दिमाग में यही बात थी कि क्या ये जो है प्लान काम करेगा भी या नहीं, और दूसरी बात अगर प्लान काम नहीं किया जो वर्स्ट जो है सिचुएशन थी तो क्या माहीन मजीद जो है वो तकलीफ से और एक परेशानी वाली सिचुएशन से गुजरेगी, मतलब माहीन के साथ कुछ और ज्यादा बुरा ना हो जाए।
यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और एक्सरसाइज बी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.